नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, गुड न्यूज आ रही है बिहार से। बीपीएससी ने रिलीज कर दिया है 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो है एडवर्टीजमेंट, आप यहां पर देख सकते हैं। 20/2023 यानी कि आज ही थोड़ी देर पहले ये अपडेट हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिस पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो है 155। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 23/2023 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आशयनिक न्यायाधीश कनीय कोर्ट के कुल 155 पदों पर जो है यहाँ पर वैकेंसी नोटिफाई की गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी 2023 से शुरू होगी और लास्ट डेट है 27 मार्च 2023 तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया है और साथ ही साथ वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट भी रिलीज कर दिया गया है। आप एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा खुलकर आ जाएगा जिसमें यहाँ पर देखिए डिटेल्ड जो है सीट वाइज कैटेगरी वाइज जो है सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा अनारक्षित वर्ग के लिए तो अनुमन्य पदों की संख्या है कुल 61, जिसमें 22 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। EWS के लिए 15 है, इसमें 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। SC कैटेगरी के लिए 29 है, जिसमें 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ST कैटेगरी के लिए 2 है, जिसमें 1 पद महिला के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 30 है, जिसमें 10 महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आपका 18 है, जिसमें 6 महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। इस तरह से कुल 155 पदों में 50 पद महिलाओं के लिए हैं और जहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो 61 पद हैं उसमें से 22 पद महिलाओं के लिए हैं। बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो ये एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है, सिलेबस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे, सिलेबस क्या है इस पर बात करेंगे और क्वेश्चंस के कौन कौन से मेजर पोर्शन हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक डिटेल्ड डिस्कशन हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। 2023 का साल जो है वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत ही बिजी साल होने वाला है। छात्रों के पास बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। देखिए, यूपी का एग्जाम हो चुका है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम होने वाला है, इसके बाद 30 मार्च को वेस्ट बंगाल का है, 30 अप्रैल को उत्तराखंड का है, बिहार का आ चुका है, मध्य प्रदेश का अप्रैल या मई में आने की संभावना है, झारखंड की भी बात सुनने में आ रही है, छत्तीसगढ़ की एक वैकेंसी फिर से 49 वैकेंसी जून जुलाई के आसपास फिर आएगी, राजस्थान में जो रिक्तियां हैं उनको भी सूचित कर दिया गया है, हरियाणा में भी चर्चा सुनने में आ रही है कि वहाँ वैकेंसी आने वाली है, गुजरात में भी वैकेंसी के नंबर्स को नोटिफाई कर दिया गया है। तो इस साल बहुत सारी वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए, कहीं ना कहीं आपकी संभावनाएँ भी इन वैकेंसीज के साथ बढ़ती जा रही हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।